नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। ऊधम सिंह नगर रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एक शिकायत पर टीम ने नानकमत्ता के पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ऊधम सिंह नगर के विधानसभा नानकमत्ता निवासी ग्रामीण ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसने अपने खेत में धान की रुपाई की थी। जब धान पकने पर वह काटने गया तो गुरदीप कौर व उसके परिवार के लोगों ने उसे धान काटने से रोक दिया। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा उप जिलाधिकारी और तहसील सितारगंज को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पटवारी त्रिलोचन सुयाल द्वारा पहले भूमि पर विवाद होने की रिपोर्ट लगाई गई। पुनः उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने पर पटवारी द्वारा दोबारा रिपोर्ट लगाई गई। आख्या में शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के एवज में 8,000 रुपए की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर निरीक्षक विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में ट्रैप टीम का गठन किया गया। ट्रैप टीम द्वारा साधुंगा, सरोजा, उप तहसील नानकमत्ता के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को शिकायतकर्ता से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ट्रैप टीम में ट्रैप प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव के अतिरिक्त निरीक्षक मनोहर सिंह दसौनी, उप निरीक्षक रमेश सिंह विष्ट, हेड कांस्टेबल दीप चंद्र जोशी एवं संजीव सिंह नेगी शामिल रहे। निदेशक सतर्कता ने ट्रैप टीम को 5,000 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। आइए जानते हैं उपाधीक्षक अनिल सिंह मनराल ने क्या कहा। सितारगंज संवाददाता बिट्टू अंसारी की रिपोर्ट। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधु नगर सरोजा के पटवारी के लोचन सुयाल को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है।